नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पैंथर एकेडमी में। मैं आपका दोस्त शांत प्रकाश स्वागत करता हूं आपका आप एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे जिससे हम अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में और ज्यादा सजग हो सकें। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये सेंटेंस स्वामी विवेकानंद का है और इसमें आपको बताया जा रहा है कि तब तक प्रयत्नशील रहिए, तब तक जूझते रहिए जब तक आपको अपना लक्ष्य मिल ना जाए। इन्हीं बातों के साथ अपने अंदर जोश भरते हुए आप आगे बढ़िए और शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, इतिहास विषय का वर्गीकरण। इतिहास विषय चूंकि अपने आप में दोस्तों बहुत जटिल विषय है, किसी भी परीक्षा में लगभग 15 से लेके 25% तक का जो मार्किंग का परसेंटेज होता है वो इतिहास विषय से कवर होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसके बारे में अच्छे से अपनी समझ विकसित कर लें। क्योंकि जब कोई छात्र किसी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए इतिहास विषय पढ़ना शुरू करता है तो लेंदी होने के नाते, बहुत बड़ा और व्यापक सिलेबस होने के नाते, छात्र आमतौर पर उसी में भटकते रहते हैं। कुछ चैप्टर पढ़ते हैं और फिर कंफ्यूज रहते हैं कि अभी और कितना। इस समस्या से निदान पाने का एक ही रास्ता है कि आप इसके जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस का क्रक्स है, इसकी जो सिनॉप्सिस है वो अच्छे से समझ लीजिए। तो आज पहली वीडियो में हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इतिहास विषय को कितने भागों में और कितने तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, और इसी के साथ साथ हम कुछ मेजर आउटलाइंस भी खींचेंगे इस विषय की एक बेहतर समझ डेवलप करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये स्लाइड है जिसमें परीक्षाओं की दृष्टि से, यहां खास बात यह है कि परीक्षाओं की दृष्टि से लिखा गया है इतिहास विषय को किन किन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जब आप कोई परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो उसमें आपके पास एक क्लियर कट खाका होना चाहिए कि आप इतिहास विषय को कितने भागों में बांट लेंगे। तो मुख्य रूप से हम इतिहास विषय को दो भागों में बांट लेते हैं। पहला है भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री, और दूसरा है विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री। यहां ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में जो विश्व इतिहास का कंटेंट है वो काफी कम पूछा जाता है। मतलब आप 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे तो 100 में 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या उससे भी कम की मात्रा, यानी कि एक छोटा सा भाग होता है जो विश्व इतिहास का होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो भारतीय इतिहास है ना, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी भी परीक्षा में 15 से लेके और 25% तक, जो मैंने पहले भी बताया, इतिहास का रोल होता है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से अधिकांश क्वेश्चन यानी कि लगभग 95% क्वेश्चन आपके भारतीय इतिहास से ही पूछे जाते हैं। ऐसे में हम भारतीय इतिहास को पढ़ने से पहले इसका एक खाका तैयार कर लेते हैं कि किन किन भागों में हम भारतीय इतिहास को बांट सकते हैं। पहला है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। वो समय जब मानव का विकास हुआ यानी कि मानव सभ्यता के प्रारंभ से हर्षवर्धन के काल तक। यहां एक नाम आया हर्षवर्धन, 647 ईस्वी, ये वो साल था जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, और प्राचीन भारत का ये अंतिम शासक, अंतिम बड़ा शासक माना जाता है। और मानव सभ्यता की शुरुआत से लेकर इस शासक यानी कि हर्षवर्धन, जिसको हर्ष भी कहा जाता है, इसकी मृत्यु तक के पूरे समय काल को हम प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ते हैं, प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट इंडिया। दूसरा हिस्सा होता है हमारे सेगमेंट का, हमारे सिलेबस का, मध्यकालीन भारत का इतिहास। हर्ष के बाद यानी कि 647 ईस्वी के बाद से लेके 1707 ईस्वी तक। अब यहां फिर ध्यान देंगे, एक और समय काल आ गया 1707 ईस्वी। दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे तो आप पाएंगे कि 1707 ईस्वी वो समय है जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब मुगल वंश का शासक
इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, और यहां से एक मोटा मोटा एक अलग अलग इतिहासकारों की राय अलग अलग होती है इसमें, लेकिन हम क्लासिफिकेशन की दृष्टि से समझने का जब प्रयास करते हैं तो 1707 तक के समय को, औरंगजेब की मृत्यु तक के समय को हम इस मध्यकालीन भारत के इतिहास में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद तीसरा भाग है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हम 1707 से लेके और कुछ इतिहासकारों के हिसाब से 1757 से लेके, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, 1757 में क्या हुआ, 1757 ईस्वी में प्लासी, एक बड़ी घटना घटी, प्लासी का युद्ध हुआ। ये पहला युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से ही विजय प्राप्त की थी किसी भारतीय शासक पर, भले ही वो छल से रहा हो या किसी भी तरह से रहा हो, लेकिन विजय प्राप्त हुई थी। तो कुछ इतिहासकार 1707 से और कुछ 1757 ईस्वी से आधुनिक भारत का आरंभ मानते हैं। इसे और विस्तृत रूप से हम समझेंगे आगे, और यहां से शुरू होकर कब तक, समकालीन भारतीय इतिहास तक। समकालीन जो वर्तमान समय तक बीतता जा रहा है समय, वो सब समकालीन भारत का इतिहास कहलाता है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का भी कुछ हिस्सा समकालीन भारत के इतिहास में शामिल माना जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत पे हम थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट इंडिया, इसका इतिहास, इसे हमने देखिए मुख्य रूप से दो भागों में बांट लिया है। इसमें क्या क्या बातें पढ़नी है आपको, शुरुआत आपको करनी है पाषाण काल से। आपको प्राचीन भारत की शुरुआत कहां से करनी है, पाषाण काल से, वो समय जब मानव किसी भी धातु के बारे में नहीं जानता था और स्टोन्स का, पत्थरों का इस्तेमाल करता था, इन्हीं पत्थरों को ही पाषाण कहा जाता है। और वो दौर जब इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करके जीवित रहता था अपने दिनचर्या में, इसका, इस पत्थर का, इस पाषाण का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग करता था, तो इस पूरे दौर को कहा गया पाषाण काल, यानी कि स्टोन एज। और इसके ठीक बाद शुरू होता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल एक ऐसा दौर जब तांबा, आप आगे जानेंगे कि तांबा ही वो पहली धातु है जिसके विषय में किसी मानव को पता चला, यानी कि मानव सभ्यता में सबसे पहले कोई धातु जो शामिल हुई वो तांबा ही थी। तो तांबे और पाषाण, यानी कि पत्थर और तांबे से मिला जुला जो जीवन शैली का प्रारंभ हुआ, और वो दौर जो था वो ताम्र पाषाण काल कहलाया। हम प्राचीन भारत में पाषाण काल से शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसके जो शुरुआती जो अवशेष मिले थे, शुरुआती जो खुदाइयों में शहर मिले थे, वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द ही मिले थे, तो इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता भी पड़ गया। ये एक नगरीय सभ्यता थी, इसके विषय में और भी कई बातें जब हम विस्तार से चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे, लेकिन अभी हमको चूंकि मोटा मोटा एक सिनॉप्सिस समझनी है इतिहास के बारे में, तो हम उतना समय न लेते हुए ये जानेंगे कि पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, और उसके बाद फिर हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे, और फिर हम उसके बाद अगला टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा वैदिक काल। वैदिक काल में जब इतिहास का लेखन प्रारंभ हो गया, विभिन्न प्रकार की लिपियां डेवलप हुई, और हमारे जो वेद लिखे गए उनका दौर जब था, तो उसे कहा गया वैदिक काल। और आगे बढ़ेंगे तो हम बौद्ध धर्म, जैन, शैव और भागवत धर्मों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद भारत में अस्तित्व में थे, उन 16 महाजनपदों के विषय में पढ़ेंगे, और ये भी जानेंगे कि उन 16 महाजनपदों में से किस तरह से मगध का जो राजवंश था वो धीरे धीरे अन्य
महाजनपदों पर भारी पड़ा और आगे चलकर मगध के शासक ही पूरे भारत में विस्तार करते करते भारत के शासक बन गए। और वो दौर आया मौर्य एवं मौर्योत्तर काल का। मौर्य में आप जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से मौर्य वंश की स्थापना की। आप कौटिल्य के बारे में भी जानेंगे। आप उसी के समय में जिसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी धनानंद के बारे में जानेंगे, उसके पूर्वजों के बारे में जानेंगे और साथ साथ आप जानेंगे सिकंदर के बारे में। इन सब बातों को पढ़ते पढ़ते फिर हम आगे बढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में। और मौर्योत्तर काल का मतलब हुआ कि मौर्य वंश के पतन के बाद कई अन्य महत्वपूर्ण वंश उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय रहे, उनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। और फिर एक जो बहुत बड़ा वंश आया उसका नाम था गुप्त वंश। हम गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे और गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे कि गुप्तों के समय में, यानी कि जो हमारा स्वर्ण काल रहा प्राचीन भारत का, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। गुप्त शासकों के बाद कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए और गुप्तोत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण हर्ष का नाम आता है, जिसकी मृत्यु अभी पहले भी मैंने बताया कि 647 ईस्वी में हो गई और इसी के साथ समाप्त हो गया प्राचीन भारत का इतिहास। क्योंकि उसके बाद इतिहासकारों ने जो आगे का इतिहास है उसको मध्यकालीन भारत के इतिहास के रूप में वर्णित किया है। प्राचीन भारत का ये राजनीतिक इतिहास हुआ, लेकिन इस साइड में कुछ और बातें भी लिखी गई हैं प्राचीन भारत के बारे में ही, कि उस दौर में स्थापत्य कला कैसी थी, यानी कि भवनों के निर्माण कैसे होते थे, किस तरह की शैली डेवलप हुई, कला उस समय किस तरह का कला था, किस तरह की साहित्य थी, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उसी दौर में साइमल्टेनियसली दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या चल रहा था उसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे, पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे और संगम युग के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद हम आते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास पर, इंग्लिश में मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसे हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट लेते हैं। पूर्व मध्यकाल, ये वो दौर है जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी, भारत में कोई एक बड़ा शासक शासन के लिए उपलब्ध नहीं था। ऐसे समय में विदेशी आक्रांताओं को अवसर मिला कि वो भारत पर आक्रमण करें और यहां पर कुछ नए राजनीतिक उथल पुथल और परिवर्तन कर सकें। ये वो दौर था जब ढेर सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में राज करते थे और ये वो दौर था जब इसमें से कई राजाओं ने अपने आप को राजपुत्र कहा और इसी से इस काल को एक और नाम दिया जाता है, राजपूत काल। ये समय 647 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक माना जाता है। ये है पूर्व मध्यकाल। इसमें हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय शासकों के बारे में पढ़ेंगे, यहीं पर हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे, यहीं पर हम मोहम्मद गौरी से उसके युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, यहीं पर हम और भी जयचंद, तमाम और भी कई राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, यहीं पर हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि कन्नौज का नगर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया और इस महत्वपूर्ण नगरी पर शासन करने के लिए, इस पर आधिपत्य करने के लिए किन तीन वंशों के शासकों की आपस में एक लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा बनी रही और अंततः कैसे गुर्जर प्रतिहारों ने इस कन्नौज पर विजय प्राप्त की और यहां पर अधिकार प्राप्त किया। हम उसके बाद इसी भाग में जानेंगे कि भारत पर कैसे मुस्लिम आक्रमण हुए। अब जब मुस्लिम आक्रमण के बारे में जानेंगे तो निश्चित रूप से हम इतिहास में थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, अरब तक पहुंचेंगे और हम ये भी जानेंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे हुई। तो ये सारी बातें हम जानेंगे पूर्व मध्यकाल में और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे दिल्ली सल्तनत का काल। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है मोहम्मद गोरी के एक गुलाम के द्वारा, नाम था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में
जब वो यहां पर अपना शासन स्थापित करता है तो उस दौर से लेकर और जब तक सल्तनत काल चलता है उस पूरे दौर को हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास कहते हैं, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इसमें कुल 5 वंशों ने भारत पर शासन किया। गुलाम वंश जिसका समय काल 1206 से लेकर 1290 तक था, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक, और फिर लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। और 1526 ईस्वी में आता है एक नया प्लेयर भारत के इतिहास में, नाम था बाबर। बाबर का युद्ध होता है सल्तनत काल के अंतिम सुल्तान से, नाम था इब्राहिम लोदी, और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। युद्ध था पानीपत का, आप सभी पहले से भी जानते होंगे। पानीपत के युद्ध में बाबर पराजित करता है सल्तनत काल के शासक, लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को, और स्थापित करता है एक नए वंश को, और इसको कहा गया, इन्होंने अपने आप को मुगल कहा, और इनके पूरे दौर को कहा गया मुगल काल। 1526 से लेकर और 1707 ईस्वी तक हम मुगल काल को यहां पर पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत। अभी आपको कुछ और बातें समझानी बहुत आवश्यक हैं मुगलों के बारे में। बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं, और इसी बीच में कुछ समय शेर शाह का भी समय रहा, जो मुगल नहीं था, एक अफगान था, लेकिन चूंकि इसी बीच में उसका भी शासनकाल आता है तो हम इसे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक के जो ये 6 बादशाह हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये महत्वपूर्ण रहे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हो गई मृत्यु। अगले लाइन में लिखा गया है परवर्ती, यानी कि बाद के मुगल बादशाह। मुगल बादशाहों का दौर आगे भी चलता रहा, ये खत्म नहीं हो गए, या किसी वंश ने इनको रिप्लेस नहीं किया, लेकिन इनकी प्रभावशीलता कम हो गई, ये उतने प्रभावी नहीं रहे। कई शासक आए लेकिन ये उतने प्रभावी नहीं रहे। इनका वंश 1857 तक बना रहा, जब अंग्रेजों ने इनके अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, काला पानी की सजा दे दी, तब वहां पर जाके इस वंश का अंत होता है। लेकिन तब तक ये वंश बना रहा, लेकिन उतना प्रभावी ना होने के नाते हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में यहीं तक की बात को शामिल करते हैं। फिर भी हम इन सभी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको पढ़ते हुए ही आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में ही कुछ और बातें, दिल्ली सल्तनत यानी कि ये समय। एक बात और ध्यान रखिए कि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने अपने आप को सुल्तान कहा, जबकि मुगल काल के शासकों ने अपने आप को बादशाह कहा। तो ये बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको भी हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि किन्होंने अपने आप को सुल्तान कहा और किसने अपने आप को बादशाह कहा था, तो उसी हिसाब से हम भी आगे टर्म्स का प्रयोग करें तो बेहतर रहेगा। दिल्ली सल्तनत, इसमें किस तरह का प्रशासन रहा, किस तरह की कला रही, संस्कृति कैसी रही, स्थापत्य कैसा रहा और साहित्य कैसा रहा, इन सब के विषय में भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, और इनको भी पढ़ना आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राजनीतिक इतिहास को पढ़ना। इसके बाद उत्तर भारत के उस समय के और अन्य प्रांतों के जो शासक थे हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का पूरा कब्जा पूरे भारत पर नहीं था, हर समय कोई ना कोई प्रांतीय राजा
अपने प्रांतों में स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते रहते थे, तो हम उनके विषय में भी पढ़ेंगे, हम विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे, हम बहमनी के बारे में पढ़ेंगे, हम और भी कई साम्राज्यों के बारे में, कई छोटे छोटे राजाओं के बारे में, क्षेत्रीय राजाओं के बारे में जानेंगे। उसी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन चला, भक्ति आंदोलन और साथ ही सूफी आंदोलन। इन भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलनों के बारे में, इसमें कौन कौन से प्रमुख संत हुए, कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व हुए, हम उनके बारे में भी अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं। मुगल काल में किस तरह का प्रशासन रहा, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उस समय का संगीत कैसा रहा, चित्रकला कैसी रही, साहित्य कैसा रहा और स्थापत्य भवन निर्माण शैली कैसी रही, हम इनके बारे में भी बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वही दौर था जब गुरु नानक देव के द्वारा सिख संप्रदाय स्थापित किया गया, तो हम सिख संप्रदाय के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मराठा काल के बारे में भी, मराठा साम्राज्य के बारे में भी, जिसको स्थापित किया था शिवाजी महाराज ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अगली स्लाइड में आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बारे में भी हम जानते हैं कि 1707 ईस्वी के बाद, यानी कि जब मुगल शासक भारत में कमजोर हो गए, उस समय कुछ यूरोपीय शक्तियां भारत में व्यापार करने के नाम पर प्रवेश कर रही थीं और उन्होंने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को किस तरह से प्रभावित किया, उसको भी हम समझेंगे। और शुरुआत करेंगे हम यूरोपीय शक्तियों के आगमन से, यूरोपीय शक्तियों के आगमन से और उनका विस्तार कैसे उन्होंने किया, उन्होंने उनके साथ किस तरह से संघर्ष किया गया क्षेत्रीय राजाओं द्वारा, क्षेत्रीय शासकों द्वारा। क्षेत्रीय शासकों के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कंपनी के शासन के बारे में पढ़ेंगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां का प्रशासन संभाल लिया और 1857 तक, जब तक ये अपना कामकाज करते रहे, उस पूरे समय काल को हम पढ़ेंगे। उस समय कौन कौन से इनके गवर्नर जनरल हुए, किसके समय में क्या क्या खास बातें हुई, वो सारी बातें हम देखेंगे। अन्य जन आंदोलन जो हुए इसके साथ साथ 1857 की जो क्रांति हुई उसके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्राउन का शासन स्थापित हुआ जो, और वो भारत की आजादी यानी कि 1947 तक चला, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हम भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, हमारे वीर सपूतों ने जो अपने जान की बाजी लगाकर भारत को आजाद करवाने के लिए मशक्कत की, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम आजादी के बाद के समय को, यानी कि समकालीन भारत के इतिहास को, कंटेम्परेरी इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे और तब जाकर हमारा इतिहास काफी हद तक पूरा हो पाएगा। दोस्तों ये जो हमारा पूरा का पूरा अभी तक का विभाजन रहा वो था अध्ययन की सुविधा के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से। अब एक नए एंगल से सोचिए, इतिहास बहुत लंबा विषय है और बहुत लंबा समय लेता है। इस पूरे दौर को, इस पूरे कालखंड को तीन मेजर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तीन बड़े भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं, स्रोतों के आधार पे कौन से स्रोत रहे हमारे पास इतिहास को जानने के, उन स्रोतों के आधार पे हमने इतिहास को किस तरह से डिवाइड किया है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। इसमें तीन मुख्य टर्म्स आते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, पहला होता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब एक एक के बारे में एक मिनट में जान लेते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे हम। अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं, इतिहास का वो दौर जिसको जानने के लिए, जिसको समझने के लिए
हमारे पास कोई अभिलेख यानी कि लिखा हुआ साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वो समय कहलाया प्रागैतिहासिक काल। इसका एग्जाम्पल जो है वो है पाषाण काल। पत्थरों का प्रयोग करता था इंसान और ऐसा कुछ भी लिखने के बारे में उसके सबूत नहीं मिलते हैं। ये पूरा का पूरा दौर कहलाया प्रागैतिहासिक काल। यानी कि आप सीधा सीधा संबंध जोड़ सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर कोई कह रहा है तो आप कहेंगे पाषाण काल के बारे में ही कह रहा है। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। अभिलेखीय साक्ष्य तो उपलब्ध हैं परंतु अपठनीय, पढ़े नहीं जा सकते। अभिलेख मिलते हैं पत्थरों पर, गुफाओं में, कई जगहों पर ऐसे लिखे हुए लिपियां मिलती हैं, साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उन लिपियों को पढ़ने में अभी तक हम समर्थ नहीं हो सके हैं। और ये दौर कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। जब लिखा हुआ तो मिला, जब का लिखा हुआ तो मिला, लेकिन उस लिखे हुए को हम पढ़ ना सके। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हड़प्पा काल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल, यहां पर अभिलेख पठनीय है और उपलब्ध भी है। वैदिक काल और उसके बाद का जो समय है वो सब ऐतिहासिक काल में ही शामिल किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, एक और तरह का हम इतिहास का विभाजन देखते हैं, पाते हैं। इस ये है कि किस तरह के धातुओं का प्रयोग कब मानव ने किया, उस आधार पर विभाजन। धातुओं के प्रयोग के आधार पर इतिहास को हम जब विभाजित करते हैं तो इसमें हम चार भागों में पूरे इतिहास को बांट लेते हैं। पाषाण युग पहला कहा गया, पाषाण युग यानी कि स्टोन एज, वह दौर जब मानव पत्थरों का उपयोग करता था, किसी प्रकार के धातु का उसको ज्ञान नहीं था, वो काल कहलाया पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और मानव को तांबे का ज्ञान हुआ। अब मानव अपने जीवन में तांबे और पाषाण यानी कि पत्थर का मिला जुला उपयोग करने लगा और इस मिली जुली उपयोग वाली संस्कृति को कहा गया ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग यानी कि तांबा और पाषाण यानी कि पत्थर दोनों का उपयोग कर रहा है इस काल में, और इसी को कहा गया कैल्कोलिथिक। इसको एक और नाम दिया गया है चालकोलिथिक। चालकोलिथिक काल या कैल्कोलिथिक समय या फिर ताम्र पाषाण युग। तीसरा आता है कांस्य युग। जब तांबे में मनुष्य ने टिन को मिला दिया तो एक नई धातु बनी जिसको कांस्य या कांसा कहा गया, और इस कांसे के प्रयोग के दौर को, उस समय को, उस समय इस कांसे को प्रयोग करने वाली सभ्यताओं को कांस्य युगीन सभ्यता, और ऐसे समय को कांस्य युग कहा गया। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता। अब यहां से आपका एक नंबर और क्लियर हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसके बाद हम बात करते हैं लौह युग की। कांसे के बाद इंसान ने धीरे धीरे लोहे से परिचय प्राप्त किया, लोहे के विषय में उसका उसको ज्ञान हुआ, और लोहा बेहतर धातु थी, ठोस थी, मजबूत थी, और इसका प्रयोग जब शुरू हुआ तो इसे लौह युग कहा गया। और वैदिक काल और उसके बाद का जो भी समय है वो सारा इसी समय इसी युग में शामिल किया जाता है और इसे कहते हैं लौह युग। तो दोस्तों, आज आपने इतिहास का वर्गीकरण समझा कि किन किन आधारों पर हम इतिहास को वर्गीकृत कर पाते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि आप इस इतिहास जैसे बड़े और बोझिल विषय को पढ़ते समय आपकी क्या लोकेशन है, आपकी क्या स्थिति है, उसको जान पाओगे कि अभी आपने कितनी मेहनत कर ली है और अभी आपको कितनी और मेहनत करनी है। तो ये हमारा इतिहास विषय का वर्गीकरण था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पाषाण काल पर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।